ब्रश को देख के ना मुझे याद आया मेरी कज़न के मैंने बाल फंसाए थे और मैं उसके बाल फंसा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब आज है पार्ट टू और ये ऊपर का ना थोड़ा सा रह गया था जो कि सैंडल्स वगैरह मैं दिखाना भूल गई थी। तो आज मैं एडिटिंग करने लगी तो ये कुछ क्लिप्स मुझे ऊपर के रह गए थे तो मैंने कहा क्यों ना ऐड कर दूँ। शूज़ की वैरायटी बहुत प्यारी थी तभी मैंने यहीं से सैंडल जो है अपनी ली थी। और अच्छा ये पम्प्स होते हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं मतलब, और बच्चों के तो बस वैरायटी ना ही पूछिए। छोटी छोटी सैंडल्स होती हैं सच में बहुत ही क्यूट लगती हैं। अगर देखा जाए ना बच्चों की हर चीज़ एक नज़र में पसंद आ जाती है और हम बड़ों की ना कुछ समझ नहीं आ रही होती। अब जैसे खुद से मैंने देखे मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे और मैं अपना साइज़ देख रही थी और मैं देखती तो मेरा साइज़ इसमें मिल जाता है क्योंकि पाँव पतला है और छोटा ही है इसलिए। और क्या कहते हैं मुझे ये येलो वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पे इन बच्चों के हाल देखिए ज़रा, मतलब ये अभी नहीं आगे और भी ये देखिए सर, मतलब कहीं पे भी देख रहे थे। और बहुत सारी वीडियोस तो मैंने बनाई भी नहीं थी कि ज़्यादातर यही देखने में आया था बच्चों को। तीन चार बच्चे जो थे वो ट्रॉली में डाले हुए थे और माँ का पता नहीं था बाप ट्रॉली लेके घूम रहा था, मतलब ऐसा वाला काम था। खैर यहाँ पे क्लिप्स कैचर्स एंड छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत अच्छी थी और रीज़नेबल थी। अब पाकिस्तान के हिसाब से हमारे यहाँ के हिसाब से तो रीज़नेबल थी। और यहाँ पे पर्स की वैरायटी भी अच्छी थी, बेहतर थी, ठीक है। अच्छा पर्स मुझे ज़्यादातर पर्स के मामले में पर्सनली देखा जाए मुझे चेज़अप में पसंद आते हैं जो मैं पहले ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। पर्स मुझे वहीं से पसंद आते हैं। अब नीचे जो है ये सारी आपको चॉकलेट्स वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। ये खुबानी थी। वैसे ड्राई फ्रूट्स की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई मुझे अंदाज़ा ही नहीं था सच में, मैं बहुत टाइम बाद इधर आई। और यहाँ पे बादाम की कीमत देखिए आप, नॉर्मली मेरे ख्याल से 2800 है, ठीक है। और उसके बाद वाली जो वैरायटी थी इसकी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा थी, मतलब 2900 के करीब। और पिस्ता तो और ही ज़्यादा महंगा, मतलब 5500 पर केजी। मैंने उनसे पूछा कि पर केजी, उन्होंने कहा यस। अच्छा ड्राई फ्रूट्स में मुझे ना सॉल्टेड चीज़ें बहुत पसंद आती, मतलब सॉल्टेड एलमंड्स एंड सॉल्टेड पिस्टैचोस, ठीक है। और यहाँ पे फ्रूट भी बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, सोचा यहाँ का भी कैप्चर कर लिया जाए। और यहाँ पे मैंने वहीं पे ही बोलना शुरू कर दिया था लाइक व्लॉगिंग, जैसे प्रॉपर व्लॉगिंग करते हैं ना, यहाँ पे मैं वैसे ही बोल रही थी, प्रॉपर बोल भी रही थी और दिखा भी रही थी। लेकिन मैंने कहा क्यों ना यहाँ की वॉइस स्किप कर दूँ एंड बैक से मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स थे और अच्छा था। यहाँ नीचे के सेगमेंट में वही मैंने बात की ना पहले वाली कि इम्तियाज़ सुपरमार्केट इतना बड़ा है कि अभी तक पूरा विज़िट नहीं करवाया मैंने, ठीक है। और आज पता है मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया, बहुत पुरानी मेरे पिछले साल की ईद ब्लॉग था, उस पर कमेंट आया कि शुक्र आपने कपड़ों की चीज़ों की शॉपिंग तो दिखाई, लोग तो सौदे सामान दिखा दिखा के पता नहीं ऐसा करके कुछ कमेंट्स था, ठीक है। तो आपको मेरे चैनल पर कम है लेकिन ईद शॉपिंग ब्लॉग्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। पूरी कोशिश थी मेरा कि मैं सब कुछ कैप्चर करूं, ओवरऑल जितना हो सका मुझसे मैंने सारा कैप्चर किया। मिलेंगे सारे हेयर ब्रशेस, मतलब जो घर में एक प्रॉब्लम होती है ना, इन लड़कियों के बाल उधर इधर घूमते रहते हैं, मेरे घर में भी होती है, भाई को बहुत ज़्यादा चिड़ होती है। सायरा के बाल देखो, खाने में बाल, यहाँ बाल वहाँ बाल, बाल ही बाल, ब्रशेस अच्छे अच्छे ये वाला देखिए पिंक, जिनको हर चीज़ पिंक पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे पिंक समझ नहीं आती, लड़कियाँ कैसे पसंद कर लेती पिंक पिंक पिंक। अच्छा इस ब्रश को देख के ना मुझे याद आया मेरी कज़न के मैंने बाल फंसाए थे और मैं उसके बाल फंसा के वहीं से भाग गई थी। और इस छोटू के काम देखे सच में मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। और नीचे का भी हमारा ऑलमोस्ट डन था, अब चलते हैं घर। एंड आई होप सो के व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाही।